नमस्कार दोस्तों, अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जगमोहन सचदेवा आज इस एपिसोड में किस तरह से करेंगे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का इलाज, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। डाइजेशन की प्रॉब्लम जनरली जो देखी गई है वो है कॉन्स्टिपेशन, जिनको मोशन रोज नहीं आता या अगर आता है तो अनक्लियर रहता है, स्टूल हार्ड होता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है बार बार मोशन जाना, कहीं को दिन में दो बार, कहीं को तीन बार, जितनी बार खाना खाते हैं उसके बाद मोशन की हाजत हो जाती है। कईयों को प्रॉब्लम रहती है एसिडिटी की, खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद जलन होती है। कईयों को समस्या रहती है बर्पिंग की, खूब डकार आते हैं। फूड रिफ्लेक्स की, खाना खाते हैं लेकिन वो खाना ऊपर को बार बार आता है। इवन कईयों को एसिड ऊपर की तरफ आता है जिसकी वजह से कई बार माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है और वॉमिटिंग भी आती है। कुछ लोगों को खूब गैस नीचे से पास होती है और कुछ लोगों की गैस पेट में एब्डोमेन में ही अटकी रहती है। खाना खाने के बाद कई लोगों को रहता है पेट में भारीपन और कईयों की नाभि रोज खिसक जाती है। किस तरह से एक्यूप्रेशर में इन सभी समस्याओं का इलाज कर सकते हैं, आज इस एपिसोड में उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक्यूप्रेशर में डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का एक 10 निडल फॉर्मूला कहलाता है। ये 10 निडल फॉर्मूला इसलिए है कि इसमें दोनों हाथों पर 10 बिंदुओं को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के बाद उन पे मैग्नेट्स लगाने होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कहां पर हैं ये 10 बिंदु और क्या है इनके नाम, उसके बाद किस तरह से करेंगे इसका इलाज उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले उन बिंदुओं की लोकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो लेंगे वो लेंगे P6। ध्यान रखिएगा ये 10 निडल फॉर्मूला है, तो 10 बिंदु मैं इसमें बताऊंगा, उसकी लोकेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। आप देखते हैं ये इंडेक्स फिंगर है, इसमें देखिए तीन जोड़ होते हैं, 1, 2 और 3। तो जो पहला बिंदु है ये इंडेक्स फिंगर के इस जोड़ से थोड़ा सा ऊपर, ये जहां मैंने मार्क किया है यहां पर आता है। इस बिंदु का नाम है P6। ये एक बिंदु हो गया। इसी बिंदु का चयन हमें करना है दूसरे हाथ पर भी। इंडेक्स फिंगर है सेम उसी जगह पर, तो ये भी P6 बिंदु हो गया। तो यानी ये दो पॉइंट हो गए, P6 लेफ्ट हैंड में, P6 राइट हैंड में, तो यह दो बिंदु हो गए। इसके बाद तीसरा बिंदु कहाँ आएगा, हाथ की हथेली में यहां पर, ये देखिए यह बिंदु है CV 13, इससे थोड़ा सा और ऊपर CV 12, इसके बाद तीसरा बिंदु CV 10। ये देखिए आपके लेफ्ट हैंड में एक ही सीध में, मिडिल और रिंग फिंगर की सीध में ये बिंदु आ रहे हैं सारे, CV 13, CV 12, CV 10। इसके बाद एक और बिंदु आएगा CV 6, फिर आ गया CV 6। दो बिंदु पहले P6 लिए थे हमने दोनों हाथ में, ये दो बिंदु हो गए थे। उसके बाद बिंदु लिया CV 13, CV 12, CV 10, CV 5 और CV 6, टोटल 6 बिंदु ये हो गए। ध्यान रखिए ये 4 बिंदु जो है सिर्फ लेफ्ट हैंड में लगाए हैं और ये जो P6 था ये दोनों हाथों में लगाया गया था, 6 बिंदु हो गए। सातवा बिंदु कहाँ आएगा, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है इसे फोल्ड किया जाए अगर इस तरह,
ये देखिए मिडिल फिंगर फोल्ड किया जाए, जहाँ पर ये आपके हाथ की हथेली पर आती है यहाँ पर एक बिंदु आता है जिसे कहते हैं ST25, स्टमक 25। ये जहाँ आपकी मिडिल फिंगर आती है ST25, ये सातवां बिंदु हो गया। यही स्टमक 25 आपको राइट हैंड में भी लेना पड़ेगा। ये मिडिल फिंगर जहाँ पर आपकी हथेली पर आ रही है और इस जगह पर आ गया आपका स्टमक 25। और स्टमक 36 बिंदु कहाँ पर है, अब उसकी लोकेशन को समझते हैं। देखिए मिडिल फिंगर की बैक साइड में आएंगे, ये मिडिल ज्वाइंट है, एक मिडिल ज्वाइंट का सेंटर होता है, मिडिल ज्वाइंट से हल्का सा यहाँ ऊपर सेंटर, सेंटर पर नहीं आना, हमें इस साइड पे आना है इंडेक्स फिंगर की तरफ। ये है स्टमक 36 पॉइंट, ST 36। इसी बिंदु को लेफ्ट हैंड में भी लेना है, तो अब लेफ्ट हैंड में कहाँ आती है इसकी लोकेशन, देखिए ये मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट, उससे हल्का सा ऊपर मिडिल में ना रहकर इसको थोड़ा सा इंडेक्स फिंगर की तरफ लिया जाता है, तो ये है स्टमक 36 पॉइंट। 10 बिंदु हमने लिए, उनकी लोकेशन को फिर से देखते हैं। P6, ये दो बिंदु हो गए क्योंकि दोनों हाथों में लिया गया। तीसरा बिंदु CV13, चौथा बिंदु CV12, CV10 और CV6, तो ये टोटल 6 बिंदु हो गए। उसके बाद ST25 दोनों हाथों में लिया गया तो 8 हो गए, और स्टमक 36 भी दोनों हाथों में लिया गया तो ये टोटल 10 बिंदु हो गए आपके हाथों में। अब क्या करना चाहिए, इन बिंदुओं को एक्टिवेट करना चाहिए उसी सीक्वेंस में जिसमें मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला बिंदु जो आप एक्टिवेट करेंगे वो आप करेंगे P6। तो ये जो मशीन है एक्यूप्रेशर की मशीन, इसे हमेशा 1 नंबर पॉइंट पर ऑन करना है। 1 नंबर पॉइंट पर ऑन करेंगे, 1 नंबर पॉइंट पर ऑन करके जो बिंदु आपने मार्क किए हैं उनको 15-20 सेकेंड ईच पॉइंट को एक्टिवेट करना है। ये दो बिंदु हो गए, उसके बाद CV13, 12, 10, 6, ST25 दूसरे हाथ में भी, और फिर ST36 और ST36 दूसरे हाथ में भी। हर बिंदु को आप 15 से 20 सेकेंड मशीन से एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद इस तरह से डॉक्टर टेप दी जाती है और स्टार मैग्नेट्स लिए जाते हैं। हर टेप पर आपको एक स्टार मैग्नेट लगाना है। तो जैसे ये 4 टेप लिए भी हमने, तो हर टेप पर एक स्टार मैग्नेट लगा देंगे जिसमें ब्लैक साइड टेप पर चिपकेगी और जो सिल्वर साइड है मैग्नेट की, जो मैग्नेट की सिल्वर साइड है, इसे हम अपने हाथ पर लगाएंगे। देखिए ये जो स्टार मैग्नेट है, ये टेप लेंगे हम और इसको इस तरह से, ये पहला पॉइंट आ गया P6 एक हाथ में, इसी तरह से दूसरे हाथ में भी हमें P6 लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमने देखा था CV13, CV12, इसके बाद 10 और 6। हर टेप पर एक मैग्नेट रहेगा और उसमें सिल्वर साइड जो है स्किन को टच करेगी और ब्लैक साइड जो है मैग्नेट की वह टेप के साथ लगेगी। इसके बाद 4 बिंदु रह गए, ST25 और ST36 जो दोनों साइड आएंगे, दोनों हाथों में आएंगे, तो 4 टेप मैं एक ही साथ ले रहा हूँ। ये देखिए 4 टेप और ले ली गई, ST25, ST25। इसमें ध्यान रखें, जितना सीक्वेंस का भी ध्यान रखेंगे उतना रिजल्ट और बढ़िया रहेगा। और ST36 जो कि पीछे की तरफ था, ST36।
तो इन बिंदुओं को आप रात को डिनर के एक घंटे बाद लगा लीजिए और पूरी रात इन मैग्नेट्स को लगे रहने दीजिए। अगर बच्चा 12 साल से छोटा, अगर कोई व्यक्ति 12 साल से छोटी उम्र का है तो इन मैग्नेट का उपयोग 4 घंटे के लिए ही करेंगे, तब इसे ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 12 साल के बड़े किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की जो डाइजेशन की मैंने प्रॉब्लम्स बताई वो हैं, तो ये मैग्नेट्स आप डिनर के बाद लगा सकते हैं और सुबह उठने पर उतार सकते हैं, यानी कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटों तक इन मैग्नेट्स का उपयोग करेंगे। ये मैग्नेट रीयूजेबल होते हैं, तो रोज़ इसी प्रक्रिया को दोहराते रहने पर डाइजेशन की किसी भी तरह की समस्या हो तो उसका समाधान हो जाता है। ध्यान रखिए, डाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहने पर अल्सर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, डायबिटीज भी होती है, और कहा जाता है कि अगर पेट ठीक नहीं है तो भांति भांति के रोग आपके अंदर घर कर जाते हैं। अब रेकी के माध्यम से या कह सकते हैं कि चक्रास को संतुलित करके आप किस तरह से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारे 7 चक्रास होते हैं, इसके बारे में सभी जानते हैं। सोलर चक्रा और सैक्रल चक्रा, ये दोनों हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। जो सोलर चक्रा है इसके अंदर 5 डाइजेस्टिव ट्रैक के ऑर्गन आते हैं, जिसे हम अपर डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, जिसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन और पेनक्रियाज आते हैं। सोलर चक्रा का कलर है येलो, तो हम लोग येलो पिरामिड लेते हैं। रात को सोने वक्त इसमें पानी भर लेंगे, सुबह उठेंगे आधा कंटेनर इसका पानी का पी लेंगे और आधा शाम को पी लेंगे, तो ये आपके सोलर चक्रा को ठीक करेगा, यानी अपर ट्रैक के 5 ऑर्गन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा। दूसरा ऑर्गन, दूसरा जो चक्र आएगा वो आएगा आपका सैक्रल चक्रा, जो नाभि से नीचे आता है। इसके अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं? दोनों की दोनों इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में आ जाता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर। उसके लिए ऑरेंज कलर निर्धारित किया गया है, तो रात को आप ऑरेंज पिरामिड में भी पानी भरेंगे और इस पिरामिड का पानी आधा आप पी लेंगे दोपहर को और आधा पी लेंगे रात को। तो ये 2 पिरामिड का पानी पीने से आप अपने सोलर चक्र और सैक्रल चक्र को एनर्जाइज रख सकते हैं, ऊर्जान्वित रख सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को मजबूत कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जितना आपका डाइजेस्टिव ट्रैक मजबूत रहेगा उतनी ही डाइजेशन की कोई भी समस्या आपको नहीं घेरेगी। दूसरा एक चीज बताना चाहेंगे कि जो डाइट है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आप खाना खाते हैं उसका एक ही पर्पज होता है कि आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बने, तो स्वाद को सेकेंडरी रखते हुए हमेशा ये ध्यान रखा करिए कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो आपको नरिशमेंट कितना देगी। तो जितना नरिशमेंट वाला खाना खाएंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी, टॉक्सिन्स बॉडी में कम बनेंगे और आप जल्दी कहीं भी बीमार नहीं पड़ेंगे। साथ ही साथ मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा कि जो लोग भी रात को डिनर लेट करते हैं तो वह पहली बात तो अपनी इस दिनचर्या को सुधारें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरा, अगर कई लोगों का कहते हैं लाइफस्टाइल ही ऐसा है, शॉप से, ऑफिस से, फैक्ट्री से फ्री ही लेट होते हैं तो इस वजह से डिनर लेट हो जाता है, तो लेट डिनर हमेशा हल्का रखिए, उसे बहुत हैवी ना करिए और डिनर के 15-20 मिनट बाद आप आधे घंटे की वॉक जरूर करिए। जितना आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जगमोहन सचदेवा आज इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति के अगले कार्यक्रम में और जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।